अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज फाइनली मैं बहुत दिन बाद दोबारा आ चुकी हूँ और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें मैं और जुनेद जा रहे हैं। आज था सैटरडे और हम जा रहे हैं कुछ ज़रा ग्रॉसरी करने, क्योंकि रमज़ान के बाद अब कहीं जा कर टाइम मिला कि हम ज़रा जाएँ और कुछ सौदा वौदा ले आएँ, क्योंकि महीना हो गया था और आपको पता है ग्रॉसरीज़ का यही चक्कर होता है कि महीने में कर लो तो ईजी रहता है, नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है। तो आज और एक और चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो थी कि कल फ्राइडे था और रायमा की थी बर्थडे, तो हमने वीकेंड पे सोचा कि सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को जुनेद का ऑफिस था और इन बच्चों का भी ऑनलाइन स्कूल था। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी और रायमा के लेने थे गिफ्ट्स, जो अभी आपको टॉयज़ वाला हम दिखा रहे थे वहाँ पर। और जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो अमार से तो सब्र हुआ नहीं, अमार ने फौरी तौर पे अपना गिफ्ट खोल लिया। हालांकि मेरा प्लान ये था कि मैं इनको सरप्राइज़ दूंगी और कोविड की वजह से उन्होंने वहाँ पे पैकिंग फैसिलिटी नहीं दी हुई थी। तो बस अब सीधा चलते हैं रायमा की बर्थडे में और देखते हैं कि कैसा रहा। आज है रायमा का बर्थडे और सॉरी कितने अर्से बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ईद के ब्लॉग के बाद भी मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं दो तीन दफ़ा लाइव आ गई। असल में बहुत बिजी चल रहे थे और रमज़ान के बाद आपको पता है सारा घर दोबारा वो करना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज ये है कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अलाव हैं दो बंदे घर में बुलाना, तो रायमा और सोहा की फ्रेंड्स आई हुई है दो, सेशा एंड आर्या रंगेर एंड हियर शी इज़ केटी। और ये बहुत एक्साइटेड है सारे के सारे बर्थडे के लिए और मैं भी रेडी होके आई हूँ। हमने सारी असल में आज हम चले गए मार्केट और आपको पता है जब आप मार्केट चले जाओ तो वापस आके, हाँ जी ओके ओके, सो जो है वो ये होता है कि आके वापस काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाती है चीज़ें समेटने उमेटने में करने में। तो ऐसा है कि अब हम बर्थडे शुरू करने वाले हैं और आज हमने क्या क्या प्लान किया है आपको दिखाते हैं। साथ साथ पहले आप डेकोरेशन देखिए और उसमें भी एक घपला हो गया कि हम कर्टन जो है एक लेके आए, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारी वॉल काफ़ी बड़ी है। फिलहाल ठीक लग रहा है, चलिए देखते हैं ज़रा। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे टिकटॉक वाले व्लॉग को बहुत पसंद किया और आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत मज़ा आया। और बस अब हम बर्थडे यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, ऑलमोस्ट केक रायमा की पसंद का है और चलें एंजॉय करते हैं बर्थडे। और यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने सोचा कि सब लोगों को बाकियों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे मुझे सब बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान में थे हम सबके साथ मिल के बर्थडेज वाला सेलिब्रेट करते थे। तो हमने रायमा की यहाँ पे दादी पुप्पो और मेरी अपनी अम्मी मतलब नानो रायमा की, इन सबको ले लिया था ऑनलाइन और रायमा सबको केक खिला रही थी और वो लोग भी सब उस टाइम फ्री थे क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम ऑलमोस्ट 5 बज रहे थे और यहाँ पर बज रहे थे 8। और आई होप कि उन लोगों को भी मज़ा आया होगा क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा मज़ा आया, हालाँकि समझ कुछ नहीं आया एक दूसरे को। तूफान एक बच्चों का असल में इनको पसंद है मैकडोनल्ड, आपको आवाज़ें आ रही हैं पीछे से इनको शोर शराबे की, तो इनको पसंद है मैकडोनल्ड। तो आज हमने, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग तो बंद है, तो हमने फिर मैकडोनल्ड ऑर्डर किया था और ये मैं भी जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। मैं भी आपको फुल अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ, काफ़ी लोगों ने देखा हुआ होगा, मैंने इस पर जो वीडियोज़ भी बनाई थी, तो ये मैंने यहीं से लिया था चिनार से और आई लव दिस ड्रेस। और साथ में मैकडोनल्ड बच्चे खा रहे हैं, हमने भी अभी मैकडोनल्ड ही मंगा लिया है और केक मेरी पसंद का नहीं है, रायमा की पसंद का। तो अभी गिफ्ट
अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाते हैं और गिफ्ट क्या क्या लिए हैं रायमा के लिए या क्या गिफ्ट किया है रायमा के लिए वो भी आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा मैकडॉनल्ड वगैरह दिखाते हैं। बहुत लंबा व्लॉग मैं नहीं कर रही क्योंकि बर्थडे में और कुछ ऐसा खास था नहीं करने के लिए। और जो बच्ची आई हुई है उन लोगों को ये है कि उनकी पेरेंट्स की तरफ से ये परमिशन मिले कि वीडियोज जाएँ। और हमारे बच्चों को मैकडोनल्ड पसंद है इतना शदीद कि हम लोग कहीं जाएं तो भी मैकडोनल्ड, घर में कुछ मंगाएं तो भी मैकडोनल्ड। और बस मुझे भी अच्छे लगता है फास्ट फूड, लेकिन कभी कभी मुझे ज़्यादा देसी फूड अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे बच्चे अपना फूड इंजॉय कर रहे थे और मैंने तो हमेशा कितना जिंगर ऑर्डर किया था। और जुनैद को पसंद है मैकडोनल्ड का बिग मैक और पता नहीं क्यों पसंद है ये, थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। और ये हमारे लिए गरीबों के लिए बच्चे थे बस। और ये रैमो को मिले हैं गिफ्ट्स सेशा और आर्या की तरफ से, एक एक था और एक इसमें सोहा का गिफ्ट था। अमार अपना गिफ्ट पहले ही खोल चुका था और ये उसने इतना क्यूट कार्ड बनाया था और सिर्फ मज़े मज़े की चीज़ें अंदर लिखी हुई थी। अभी आगे मैं आपको गिफ्ट अनबॉक्सिंग में दिखाती हूँ। हम दोनों खाने लगे हैं, कुछ खामोशी हुई है, बच्चों ने मुझे खाना दिया है तो कुछ खामोशी हुई और ये जो पीछे पंखे रखे हैं हमारे पंखे ख़राब हो गए, इनको हमने पैक करके रखने हैं और इन शाला तला है जिन्हें जिम्मे काम है जल्दी हम कर लेंगे, है ना। तो अब हम बर्गर चर्गर खा लें अपने तो फिर हम कर देंगे गिफ्ट अनबॉक्सिंग। यहाँ पे सिर्फ दो बंदे अलाव हैं घर में बुलाना, तो इसलिए सिर्फ जो रायमा की जो ऊपर वाली फ्रेंड्स हैं वो आनी है, वरना यहाँ पे इनके तीन चार फ्रेंड्स और हैं और उनको हमने नहीं बुला सके इसी वजह से कि यहाँ पे सिर्फ दो बंदे अलावा हैं। चुपके से बुला सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना वो कंप्लेन कर देते हैं, ये बड़ा मसला है। फिर वैसे भी कोविड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है तो हम इस पर थोड़ी एहतियात कर लेते हैं। और इतना शोर है कि मेरे ख्याल से कुछ क्लिप्स में आपको बहुत शोर भी सुनाई देगा। और अब हम खाना शाना खा लें, आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ जाएगा इतने तूफ़ान में भी। मैंने सोचा था कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग में मैं ओरिजिनल साउंड डालूंगी, लेकिन बच्चों ने इतना तूफ़ान मचाया हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आया था। आगे कुछ क्लिप्स मैंने डाली है आवाज़, और ये हुआ ये था कि आपको मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली ये गिफ्ट रायमा का था जो गलती से सोहा ने ओपन कर लिया और रायमा को जल्दी पड़ी हुई थी। रायमा इवन देख भी नहीं रही थी कि मैं गिफ्ट देख लूँ कि क्या मिला, उसे बस हो रहा था मैं सारे खोल लूँ एक मिनट के अंदर अंदर कि उसके अंदर है क्या। और हम लोग हर बर्थडे पे तीनों को ही गिफ्ट दे देते हैं क्योंकि एक को मिले तो फिर इतना तूफान मचता है, तो हम सोचते हैं कि चलो तीनों को ही दे दें। बर्थडे लंबी चलाने का ये नुकसान होता है बच्चों की, अब हो चुकी है लड़ाई।
और जनाब इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। क्या आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग, और मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे बहुत सख्त आज थकन हुई है, और ये बात सही है। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैं आज ही इसको एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको व्लॉग कैसा लगा और ये टॉयस कैसे लगे, और बच्चों से ज़्यादा टॉयस मुझे पसंद है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। तो और एक दफ़ा दोबारा मैं कहना चाहूँगी आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है मेरे ब्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनको भी वेलकम मेरे चैनल पे। आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी बहुत अच्छे कुछ ब्लॉग्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।